हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर अपन बीएससी फर्स्ट ईयर के माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और इस पेपर के अंदर अपना जो लास्ट में टॉपिक चल रहा था बैक्टीरिया की अल्ट्रास्ट्रक्चर, और उसमें अपन फ्लेजिला या कसाबिका की बात कर रहे थे। फ्लेजिला की अरेंजमेंट के आधार पर बैक्टीरिया के टाइप्स जो है वो अपन देख चुके थे, जिसमें अपन ने एट्राइकस, ट्राइकस, ट्राइकस के अंदर भी अपन ने नॉन पोलर, पोलर अरेंजमेंट वाले अलग अलग प्रकार के देखे थे। ठीक है, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन जो है वो फ्लेजिला की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेजिला या कसाबिका की संरचना कैसी होती है, ठीक है, फ्लेजिला किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेजिला, कसाबिका की परा संरचना के बारे में अपन पढ़ते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेजिला, फ्लेजिला की अल्ट्रा स्ट्रक्चर या कसाबिका की परा संरचना के बारे में अपन को पढ़ना है। जैसा कि अपन लास्ट में भी देख चुके हैं, एक बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लेजिला की लंबाई है वो बैक्टीरिया की लेंथ की तुलना में लगभग 10 गुना बड़ी होती है। कितनी बड़ी होगी? 10 गुना। मान लीजिए बैक्टीरिया की साइज यदि 10 माइक्रोमीटर है, बैक्टीरिया की लंबाई 10 माइक्रोमीटर है, तो इसकी 10 गुना यानी कि लगभग 100 माइक्रोमीटर लेंथ होगी, लंबाई होगी किसकी? फ्लेजिला की। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बैक्टीरिया की लंबाई की तुलना में या बैक्टीरिया की साइज की तुलना में लगभग 10 गुना बड़ी साइज होती है फ्लेजिला की, कसाबिका की। अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर फ्लेजिला की लंबाई है या फ्लेजिला का जो डायमीटर है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया किस मीडियम के अंदर या बैक्टीरिया का जो हैबिटेट है वो क्या है, उस आधार पर फ्लेजिला की लेंथ और फ्लेजिला की जो विड्थ है या मोटाई जो है वो अलग अलग हो सकती है, यानी कि लंबाई और डायमीटर जो है वो अलग अलग हो सकता है। सामान्यतः यदि अपन बात करें तो डायमीटर 4 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज डायमीटर की यदि अपन बात करें तो 4 से लेकर 10 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है किसी भी बैक्टीरियल सेल का। सामान्यतः एवरेज व्यास यदि अपन देखें तो व्यास होता है 4 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, बात करें लंबाई होती है, लेंथ है ये, तो 4 से 10 माइक्रोमीटर व्यास काफी ज्यादा हो जाएगा, ये लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ जो है, एवरेज लेंथ किसी भी बैक्टीरिया के अंदर पाई जाने वाली फ्लेजिला की वो होती है 4 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, डायमीटर की यदि अपन बात करें तो डायमीटर होता है 180 से 120 से लेकर 180 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर कितना हो सकता है? 120 से लेकर 180 एंगस्ट्रॉम, ये बात करी है मैंने लेंथ की, लंबाई की। व्यास जो है, डायमीटर जो है वो 120 से लेकर 180 एंगस्ट्रम में हो सकता है। यूनिट आपको ध्यान रखनी है, लंबाई या लेंथ अपन मेजर कर रहे हैं माइक्रोमीटर के अंदर, ठीक है, और डायमीटर जो है वो अपन मेजर कर रहे हैं एंगस्ट्रम के अंदर। डायमीटर तो होगा 120 से लेकर 180 एंगस्ट्रम तक, और लेंथ जो होगी वो होगी 4 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, लेकिन विब्रियो ग्रुप के या विब्रियो जीनस के जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है। उनके अंदर डायमीटर 300 से लेकर 350 एंगस्ट्रम तक हो सकता है। असब अपवाद अपन पढ़ रहे हैं, एक विब्रियो ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर डायमीटर जो है वो 300 से लेकर 350 एंगस्ट्रम तक हो सकता है। विब्रियो समूह के जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उनके अंदर डायमीटर कितना हो सकता है? 300 से 350 एंगस्ट्रम तक। अब डायमीटर इतना क्यों हुआ? क्योंकि उसमें कोशिका झिल्ली का आवरण जो है वो भी इस फ्लेजिला के ऊपर पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे ये फ्लेजिला निकली,
तो ये जो फ्लेजिला है, इस फ्लेजिला के ऊपर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का आवरण भी पाया जाता है, इस कारण इसका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो विब्रियो ग्रुप के या जीनस के जितने भी बैक्टीरियाज है उनके अंदर डायमीटर कितना होता है, 300 से 350 एंगस्ट्रम तक डायमीटर हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने क्या बताया, फ्लेजिला की साइज, चाहे वो डायमीटर की बात कर लीजिए चाहे वो लेंथ की बात कर लीजिए, अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग हो सकती है। ये अपन ने एवरेज लेंथ और एवरेज डायमीटर की बात करी है, लेकिन विब्रियो ग्रुप के जो मेंबर है उसमें डायमीटर ये हो सकता है। ठीक है, अब फ्लेजिला की यदि कंपोजिशन की अपन बात करें, फ्लेजिला या कसाबिका जो है वो किससे बनती है, तो फ्लेजिला का निर्माण एक प्रोटीन से होता है और उस प्रोटीन का नाम है फ्लेजिलिन। प्रोटीन का नाम क्या है, फ्लेजिलिन प्रोटीन। फ्लेजिलिन प्रोटीन के द्वारा फ्लेजिला का निर्माण होता है। फ्लेजिला का निर्माण कौन से प्रोटीन से होता है, फ्लेजिलिन प्रोटीन से होता है। और एक फ्लेजिलिन प्रोटीन जो है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, गोलाकार संरचना होती है, जिसका डायमीटर फ्लेजिलिन प्रोटीन से बनता है, क्या, फ्लेजिला। और इस फ्लेजिलिन प्रोटीन, जैसे मान लीजिए ये फ्लेजिलिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, तो इस फ्लेजिलिन प्रोटीन का मॉलिकुलर वेट जो है, आणविक भार, वो तो होता है लगभग 40,000 डाल्टन। फ्लेजिलिन प्रोटीन का डायमीटर या सॉरी मॉलिकुलर वेट या आणविक भार तो कितना होता है, लगभग 40,000 डाल्टन होता है। और इसके डायमीटर की यदि अपन बात करें, इसके व्यास की यदि अपन बात करें, एक फ्लेजिलिन प्रोटीन के अणु का व्यास जो है वो लगभग 40 एंगस्ट्रम होता है। जैसे ये डायमीटर हो गया, डायमीटर या व्यास कितना होगा, 40 एंगस्ट्रम होगा। ठीक है, तो फ्लेजिला किससे बनी हुई होती है, फ्लेजिलिन प्रोटीन से। फ्लेजिलिन प्रोटीन का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 40,000 डाल्टन होता है। फ्लेजिलिन प्रोटीन का व्यास या डायमीटर कितना होता है, 40 एंगस्ट्रम होता है। और ऐसे लगभग 8 से लेकर 10 फ्लेजिलिन प्रोटीन एक स्पाइरल या सर्पिलाकार रूप में, कुंडलित रूप में व्यवस्थित होकर एक फ्लेजिलिन यूनिट का निर्माण करते हैं। जैसे अपन जैसे डायग्राम से अपन समझते हैं, ये मान लीजिए एक फ्लेजिलिन प्रोटीन था, ये दूसरा फ्लेजिलिन प्रोटीन, ये तीसरा फ्लेजिलिन, ये चौथा फ्लेजिलिन प्रोटीन। ठीक है, ऐसे 8 से लेकर 10 फ्लेजिलिन प्रोटीन ऐसे व्यवस्थित होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये फ्लेजिलिन प्रोटीन का अरेंजमेंट है। लगभग 8 से लेकर 10 फ्लेजिलिन प्रोटीन एक कुंडलित संरचना के रूप में, एक स्पाइरल रूप में अरेंज होकर इस फ्लेजिला का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब ये 8 से 10 हो गए। ठीक है, ए का डायमीटर कितना है, 40 एंगस्ट्रम। इसका डायमीटर कितना है, 40 एंगस्ट्रम। 40 और 40 कितना हो गया, 80 एंगस्ट्रम हो गया। और लगभग 40 एंगस्ट्रम ये बीज की साइज मानी जाती है। तो टोटल एक फ्लेजिलिन का जो डायमीटर है, एक फ्लेजिलिन या एक फ्लेजिला जो है वो इसी से तो मिलकर बना हुआ है, उसका टोटल डायमीटर कितना हो गया, 40 40 80 और 40, 120 एंगस्ट्रम। कितना हो गया, 120 एंगस्ट्रम डायमीटर हो गया। ऐसे स्पाइरल रूप में इसके नीचे से फ्लेजिलिन प्रोटीन अरेंज होते जाएंगे और ऐसे एक कुंडलित या स्पाइरल फ्लेजिला का निर्माण हो जाएगा। आई बात समझ में? तो फ्लेजिला का निर्माण फ्लेजिलिन प्रोटीन से होता है। फ्लेजिलिन प्रोटीन का मॉलिकुलर वेट 40,000 डाल्टन, फ्लेजिलिन प्रोटीन का जो डायमीटर है वो 40 एंगस्ट्रम होता है। फ्लेजिलिन प्रोटीन की लगभग 8 से 10 यूनिट अरेंज होकर एक कुंडलित रूप से, एक स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होकर फ्लेजिला का निर्माण करती है। ठीक है, और एक फ्लेजिला जो बनेगा उसका डायमीटर जो है वो अपन देखिए यहाँ पर 120 एंगस्ट्रोमी तो बता रहे हैं,
और देखिए 120 एंगस्ट्रम आ चुका है अपने पास, क्योंकि 40 की एक फ्लेजिलिन यूनिट होगी, 40 की दूसरी ये फ्लेजिलिन यूनिट, और बीच में ये गैप भी तो है लगभग 40 एंगस्ट्रम का। इसीलिए अपन एक फ्लेजिला का डायमीटर लगभग 120 से 180 एंगस्ट्रम तक बताते हैं, ठीक है, क्योंकि एक फ्लेजिलिन प्रोटीन का डायमीटर कितना है, 40 एंगस्ट्रम है। ऐसी दो फ्लेजिलिन प्रोटीन है और बीच में ये गैप है, तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा, 120 एंगस्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से स्पाइरल रूप में फ्लेजिलिन प्रोटीन अरेंज होकर के किसका निर्माण कर लेंगी, फ्लेजिला का निर्माण कर लेंगी, ठीक है। अब फ्लेजिलिन जो प्रोटीन है वो फ्लेजिला के अंदर कैसे व्यवस्थित होंगे, जैसे ये मान लीजिए कोई बैक्टीरियल सेल है, तो फ्लेजिलिन प्रोटीन बनते तो कहाँ हैं, साइटोप्लाज्म में। फ्लेजिलिन भाई, फ्लेजिलिन प्रोटीन जो है वो बनते तो कहाँ है, साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन ये फ्लेजिलिन प्रोटीन, ये जो अपन फ्लेजिला बताते हैं, इसके बीच में ये गैप भी तो है, इस गैप से होते हुए ये फ्लेजिलिन प्रोटीन जो है वो टर्मिनल पार्ट पर आ जाते हैं, इस फ्लेजिला के शीर्षस्थ भाग पर आ जाते हैं, और यहां से ये फ्लेजिलिन ऐसे जुड़ते जाते हैं और फ्लेजिला का निर्माण होता रहता है। तो फ्लेजिलिन प्रोटीन का निर्माण तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में फ्लेजिलिन प्रोटीन बनता है, लेकिन ये फ्लेजिलिन प्रोटीन बाहर की तरफ इस फ्लेजिला के टर्मिनल पार्ट तक भेज दिया जाता है। इसीलिए अपन ये कहते हैं कि फ्लेजिला का निर्माण इस फ्लेजिला के बेसल पार्ट से ना होकर इसके टर्मिनल पार्ट से हो रहा है। यहाँ पे टर्मिनल पार्ट से लगातार फ्लेजिलिन प्रोटीन आपस में जुड़कर अरेंज होकर फ्लेजिला का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लेजिला का जो निर्माण है वो कहाँ से हो रहा है, टर्मिनल पार्ट से हो रहा है, ना कि बेसल पार्ट से। यहाँ से फ्लेजिलिन नहीं जुड़ रहे, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस जो है जहां से फ्लेजिलिन प्रोटीन ऐड हो रहे हैं वो टर्मिनल पार्ट है, बेसल पार्ट से फ्लेजिलिन प्रोटीन ऐड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो फ्लेजिलिन प्रोटीन बनेंगे कहां, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में बनने के बाद इसे फ्लेजिला के टर्मिनल पार्ट तक भेज दिया जाता है, और टर्मिनल पार्ट से ये फ्लेजिलिन जुड़ करके फ्लेजिला की लेंथ में इंक्रीजमेंट करते हैं, ठीक है। तो फ्लेजिला का निर्माण पॉलीमराइजेशन टर्मिनल पार्ट से होता है, ना कि बेसल पार्ट से, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये है आपकी फ्लेजिला की अल्ट्रास्ट्रक्चर के बारे में एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब अपन बात करते हैं कि फ्लेजिला की स्ट्रक्चर को मुख्यतः अपन तीन अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, तीन अलग अलग भागों के अंदर, तीन अलग अलग पार्ट्स के अंदर अपन फ्लेजिला की स्ट्रक्चर को डिवाइड करेंगे। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, पहले अपन उसको डायग्राम से समझ लेते हैं वो तीनों पार्ट कौन कौन से हैं, उसके बाद अपन अलग अलग तीनों पार्ट को पढ़ेंगे। एक यदि फ्लेजिला की डायग्राम की अपन बात करें, ये मान लीजिए सेल वॉल है, ठीक है, ये इतनी क्या है, सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन एक अलग पेन से दिखा देते हैं। ये अंदर की तरफ जो है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ब्लैक से जो मैंने दिखाई है वो है आपकी सेल वॉल, और ये ब्लू वाली जो आपकी है वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब फ्लेजिला देखना कैसे अरेंज होगी, फ्लेजिला का निर्माण कुछ ऐसे होगा,
ये लीजिए, ऐसे कुछ फ्लेजिला अरेंजमेंट होगा, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ब्लू वाली, ये जो है आपको सेल वॉल दिख रही है, ये मैंने फ्लेजिला बना दिया। फ्लेजिला के अंदर मुख्यतः तीन भाग होते हैं, ये वाला जो भाग है इतना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो होता है वो होता है बेसल बॉडी, आधारी भाग। ये इतना पार्ट कौन सा है? बेसल बॉडी है, ठीक है। बेसल बॉडी से ऊपर की तरफ लगभग सेल वॉल के पास जो भाग है ये वाला, यहां से यहां तक, इसको अपन थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, ये वाला पोर्शन होता है हुक। ये वाला पोर्शन कौन सा है? हुक वाला पोर्शन है। और ऊपर की तरफ जो ट्यूबुलर नलिकाकार स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ट्यूबुलर या नलिकाकार स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है वो एक्चुअल में है फ्लेजिला। वो क्या है? फ्लेजिला है, ठीक है। तो फ्लेजिला की स्ट्रक्चर में अपन तीन पार्ट बताते हैं, बेसल बॉडी या बेसल पार्ट, हुक और फ्लेजिला, या इसे फिलामेंट, ये तंतु जैसा दिख रहा है इसलिए इसे फिलामेंट भी बोल सकते हैं अपन, है ना, फिलामेंट तंतु। तो मुख्यतः फ्लेजिला की स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले अपन ने बताया बेसल बॉडी या आधारी भाग, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका है हुक, और तीसरा पार्ट जो आपका है वो है फिलामेंट। तीसरा पार्ट कौन सा है? फिलामेंट है। तो एक फ्लेजिला की अल्ट्रास्ट्रक्चर के अंदर आप तीन भाग दिखा सकते हैं, तीन भागों में डिवाइड होता है, ठीक है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी वाला जो पोर्शन है, आधारी भाग वाला पोर्शन, जहां से एक्चुअल में फ्लेजिला जुड़ी हुई है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है। तो ऐसा साफ दिख रहा है कि फ्लेजिला जो है उसका ओरिजिन कहां से होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और अपन ने यही बताया था जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की पढ़ी थी कि फ्लेजिला का अरेंजमेंट या फ्लेजिला का ओरिजिन जो है वो कहां से होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्लेजिला ओरिजिनेट हो रही है। हुक एक ऐसा पोर्शन है जो कि इस ट्यूबुलर फिलामेंट और इस बेसल बॉडी को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। हुक वाला पोर्शन फिलामेंट और इस बेसल बॉडी को जोड़ने का काम कर रहा है। और हुक वाला पोर्शन की मेन बात यह है कि ये सेल वॉल वाले पोर्शन या कोशिका भित्ति से निर्मित होता है। हुक का निर्माण किससे होगा? सेल वॉल से होगा। बेसल बॉडी का निर्माण किससे होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लेजिलिन प्रोटीन है वो फ्लेजिलिन प्रोटीन इस फिलामेंट के थ्रू बाहर भेज दिए जाएंगे, फ्लेजिलिन प्रोटीन जुड़ते जाएंगे और किसका निर्माण होता जाएगा? फ्लेजिला। या ये कह सकते हैं कि फ्लेजिला की लेंथ बढ़ती जाएगी, फ्लेजिला का पॉलीमराइजेशन होता रहेगा। आगे बात समझ में? तो मुख्यतः कितने पार्ट होते हैं फ्लेजिला के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर? तीन मुख्य पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। अब इनकी अपन एक एक करके चर्चा करते हैं कि बेसल बॉडी क्या है, कहां से क्या बनती है, हुक क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट जो है वो मुख्यतः किससे बना हुआ होता है, कौन कौन से अमीनो एसिड जो है फ्लेजिलिन प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं, ये सब अपन एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो अपन है वो बात करते हैं बेसल बॉडी या आधारी भाग की। बेसल बॉडी वाला जो पोर्शन है वो कोशिका द्रव्य के आंतरिक भाग में जो बेसल ग्रेन्यूल्स होती है, यहां पर है बेसल ग्रेन्यूल्स, उस बेसल ग्रेन्यूल से जुड़ा हुआ है बेसल बॉडी। यहां पर सेल मेम्ब्रेन के इस तरफ जो है ये ब्लू कलर वाली मैंने बनाई है बेसल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये क्या है? बेसल ग्रेन्यूल्स है, आधारी कणिका। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे अपन? आधारी कणिका बोलेंगे। तो बेसल बॉडी वाला पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह पर जो बेसल ग्रेन्यूल्स है, आधारी कणिका है, उससे ये बेसल बॉडी वाला पोर्शन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब यहां पर बेसल बॉडी के अंदर रिंग्स पाई जाती है, वलय पाई जाती है,
बेसल बॉडी किससे बना हुआ होता है? रिंग या वलय से बना हुआ होता है। अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर वलय की नंबर भी अलग अलग हो सकती है। जैसे यदि अपन बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर टोटल दो बेसल ग्रेन्यूल्स या वलय होती है। आधारी भाग या बेसल पार्ट के अंदर रिंग जो है वो कितनी होती है? दो रिंग होंगी या दो जोड़ी रिंग होगी। किसके अंदर? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। यदि अपन बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर रिंग की नंबर कितनी होती है? एक होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में रिंग की नंबर कितनी होगी? एक रिंग की नंबर होती है। ठीक है, तो ये जो बेसल बॉडी है वो बहुत सारी रोड सैब रिंग या वलयों से मिलकर बनती है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दो रिंग, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक रिंग या एक वलय द्वारा इस बेसल बॉडी का निर्माण होता है। जैसे ये रिंग मैंने बनाई भी है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है वो रिंग होती है, वलय होती है। तो ग्राम नेगेटिव के अंदर तो दो रिंग होगी और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर एक रिंग होती है, एक वलय होती है। ठीक, अब इस बेसल बॉडी का काम क्या है? बेसल बॉडी के बच्चों दो काम है। पहला काम तो बेसल बॉडी का ये है कि फ्लेजिला का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। फ्लेजिला के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम जो है वो किसका है? बेसल ग्रेन्यूल्स का या बेसल बॉडी का है कि फ्लेजिला कितना मूवमेंट करेगा या बैक्टीरिया को किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। अरे बैक्टीरिया की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे तो है नहीं कि बैक्टीरिया को आंख लगी हुई है, बैक्टीरिया आसानी से देख लेगा मुझे इस तरफ जाना है, इस तरफ न्यूट्रिशन ज़्यादा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इस फ्लेजिला का कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल करेगा ये बेसल बॉडी। जहां बेसल बॉडी इस फ्लेजिला या इस बैक्टीरिया को भेजना चाहता है उसी तरफ फ्लेजिला का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो पहला फंक्शन तो क्या हो गया? फ्लेजिला का मूवमेंट कंट्रोल करने का काम किसका होता है? बेसल बॉडी का होता है। दूसरा काम है जितने भी पॉलीमर है उनका सिंथेसिस भी किसके द्वारा होगा? बेसल बॉडी के द्वारा। फ्लेजिला के पॉलीमर सिंथेसिस, ऑफ फ्लेजिला के पॉलीमर्स जो है, बहुलक जो है जिससे फ्लेजिला बनी हुई है, चाहे वो फ्लेजिलिन की बात कर लीजिए चाहे बाकी और प्रोटीन्स की बात कर लीजिए, वो सब जो है वो इसी बेसल बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज की जाती है। ठीक है, तो ये बेसल बॉडी के दो मुख्य फंक्शन है, एक तो पॉलीमर सिंथेसिस फ्लेजिला के और दूसरा फ्लेजिला के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? बेसल बॉडी का। अब अपन बात करते हैं इस दूसरे पार्ट की जिसका नाम है हुक वाला पार्ट। ठीक है, हुक वाले पोर्शन की बात अपन करते हैं। दूसरा आपका पोर्शन है हुक। हुक फ्लेजिला का ऐसा पोर्शन है जो कि इस ट्यूबुलर फिलामेंट और इस बेसल बॉडी को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। कनेक्टर का काम कौन कर रहा है? हुक कर रहा है। हुक वाला पोर्शन इस फ्लेजिला की फिलामेंट और इस बेसल बॉडी को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है, आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये हुक वाला पोर्शन कर रहा है। आपको दिखने में लग भी रहा होगा कि हुक का निर्माण जो है वो किससे होगा? सेल वॉल से। हुक का निर्माण किससे होगा? इस सेल वॉल से, कोशिका भित्ति से हुक वाले पोर्शन का निर्माण होगा। देखिए कोशिका भित्ति तो है ये, तो सेल वॉल से किसका निर्माण होता है? हुक वाले पोर्शन का निर्माण होता है। ठीक है, और यही हुक जो है वो कोशिका भित्ति से जुड़कर फिलामेंट के समकोण पर, या ये कह सकते हैं कि फिलामेंट के 90 डिग्री पर होता है। देखिए फिलामेंट है इस तरफ, यही तो है फिलामेंट, और हुक जो है वो इस तरफ है, तो फिलामेंट के लगभग 90 डिग्री या समकोण पर हुक प्रेजेंट होता है। ठीक है, हुक की नंबर जो है
वो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग हो सकती है। जैसे यदि अपन बात करें ग्राम नेगेटिव की, तो हुक की लंबाई जो है वो ग्राम नेगेटिव में ग्राम पॉजिटिव की तुलना में कम होती है। तो ये क्या कह सकते हैं अपन, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें हुक की जो लेंथ है, हुक की लेंथ कम होगी, ठीक है। और जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर हुक की लेंथ जो है, लंबाई जो है वो ज्यादा होगी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर हुक की लंबाई कम होगी किसकी तुलना में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तुलना में। अब हुक की लंबाई, एक तो हुक कितना है, हो सकता है हुक की लंबाई ये ज्यादा बाहर चली जाए, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो हुक की लंबाई होती है ज्यादा, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हुक की लंबाई क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये अपना दूसरा पार्ट है हुक, जो कि एक बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है जो बहुत से केमिकल सब्सटेंस के प्रति स्टेबल होती है, स्थायी होती है, और जो फिलामेंट और बेसल बॉडी को जोड़ने का काम करती है। ग्राम नेगेटिव के अंदर लंबाई कम होगी और ग्राम पॉजिटिव के अंदर इसकी लंबाई ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है फ्लेजिला का, वो है फिलामेंट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, फिलामेंट या तंतु। फिलामेंट या तंतु एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, एक नलिकाकार संरचना होती है जो लंबाई में लगभग 20 माइक्रोमीटर, लेंथ तो लगभग इसकी कितनी होती है, 20 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। और इसकी यदि अपन बात करें डायमीटर की, तो वो 0.01 से लेकर 0.13 होता है, 0.01 से लेकर 0.13 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, क्या बता रहे हैं, फिलामेंट जो है वो फ्लेजिला का सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्यूबुलर नलिकाकार संरचना वाला भाग है, जिसकी लेंथ लगभग 20 माइक्रोमीटर हो सकती है, जिसका डायमीटर 0.01 से लेकर 0.13 माइक्रोमीटर तक भी हो सकता है। इस फिलामेंट की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है, आई बात समझ में। इस फिलामेंट का निर्माण फ्लेजिलिन प्रोटीन से होता है। फिलामेंट का निर्माण किससे होगा, फ्लेजिलिन प्रोटीन से। अब फ्लेजिलिन प्रोटीन क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि फ्लेजिलिन प्रोटीन का डायमीटर 40 एंगस्ट्रम है, इसका जो मॉलिकुलर वेट है वो 40,000 डाल्टन होता है, और ये कुंडलित रूप में, स्पाइरल फॉर्म में 8 से 10 एक कुंडली के रूप में, एक कुंडलन के रूप में अरेंज होकर इस फिलामेंट का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो बना हुआ किससे होता है, फ्लेजिलिन प्रोटीन से फिलामेंट का निर्माण होता है, ठीक है। ये फ्लेजिलिन प्रोटीन जो है, उस फ्लेजिलिन प्रोटीन के अंदर प्रोलीन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफेन, ठीक है, प्रोलीन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफेन और सिस्टीन, ये अमीनो अम्ल बहुत ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन है तो आपको पता है प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड का पॉलीमर है। अरे प्रोटीन जो है वो किसका बहुलक होता है, अमीनो एसिड या अमीनो अम्लों का पॉलीमर ही तो होता है प्रोटीन। अब फ्लेजिलिन प्रोटीन जो है उसके अंदर प्रोलीन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफेन और सिस्टीन अमीनो एसिड जो है वो अधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, अमीनो एसिड के नाम याद रखने हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्लेजिलिन प्रोटीन में निम्न में से किस अमीनो अम्ल की मात्रा अधिक नहीं होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन फ्लेजिलिन प्रोटीन। फ्लेजिलिन प्रोटीन में निम्न में से कौन सा अमीनो एसिड कम मात्रा में पाया जाता है, चार ऑप्शन दे दिए या चारों में से तीन दे दिए और एक कोई दूसरा दे दिया तो वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चारों जो है वो तो फ्लेजिलिन प्रोटीन के अंदर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी अमाउंट तो ज्यादा होती है फ्लेजिलिन प्रोटीन के अंदर। कौन कौन से, प्रोलीन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफेन और सिस्टीन।
ठीक है, प्रोलीन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफेन और सिस्टीन, इन अमीनों की मात्रा इसके अंदर ज्यादा पाई जाती है फ्लेजिलिन प्रोटीन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई फ्लेजिला की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात, जिसमें अपन ने तीनों स्ट्रक्चर पढ़ ली है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, तीनों की चर्चा अपन ने कर ली है। मूवमेंट का जो मेन काम होगा वो किसका होता है, इस फिलामेंट का ही होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ लेते हैं कसाबिका या फ्लेजिला के क्या फंक्शंस हैं, फ्लेजिला क्या फंक्शन करती है उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। फ्लेजिला के फंक्शंस की चर्चा अपन कर लेते हैं। फ्लेजिला का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यह है कि मूवमेंट जो है, प्रमुख कार्य जीवाणु कोशिका को मोटाइल बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी कि मूवमेंट जो है, मोटाइल बैक्टीरिया जो है उनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्लेजिला की वजह से। तो पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन तो क्या हो गया, मूवमेंट, गतिशीलता प्रदान करना। बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो उसके लिए फ्लेजिला का होना जरूरी है। तो पहला फंक्शन तो क्या हो गया, मूवमेंट। दूसरा फंक्शन है न्यूट्रिशन, दूसरा इसका फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन। फ्लेजिला जितनी ज्यादा मात्रा में होंगी, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलने के चांस भी उतने ही ज्यादा है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर फ्लेजिला ज़्यादा है, मतलब फ्लेजिला के मूवमेंट के द्वारा बैक्टीरिया पर्टिकुलर न्यूट्रिटिव मीडियम के पास पहुंच सकता है, पर्टिकुलर एनर्जी सोर्स के पास पहुंच सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है या कोई पैरासिटिक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करना पड़ेगा अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो यदि उसके अंदर फ्लेजिला नहीं है, फ्लेजिला लेस डेवलप है, तो वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो न्यूट्रिशन प्राप्त करने में भी फ्लेजिला का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा यदि फ्लेजिला की नंबर ज्यादा है या फ्लेजिला की लेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो ये दो मुख्य फंक्शन है किसके, फ्लेजिला के। आगे बात समझ में, तो ये है फ्लेजिला की स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से अपने फ्लेजिला, फ्लेजिला के अरेंजमेंट, फ्लेजिला के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। अब बैक्टीरिया के अंदर और कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स थी जो प्लांट या फिर एनिमल सेल के अंदर नहीं होती, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रक्चर जो थी वो बैक्टीरियल सेल के अंदर थी, जब अपन ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बैक्टीरिया की पढ़ा था, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थी रोम और झालर। रोम को बोलते हैं पिलाई, ठीक है, एंड फिम्ब्री, ये भी अपन ने बैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के डायग्राम में मेंशन करी थी। छोटी छोटी तंतुनुमा फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है जिनका फंक्शन मूवमेंट नहीं है, जो किसी बैक्टीरिया को किसी होस्ट सेल से अडहेजन में या चिपकने में सहायक होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरियल सेल है, फ्लेजिला की जो लंबाई है वो ज्यादा होती है, लेकिन ये जो फिम्ब्री है या ये जो पिलाई है उनकी साइज काफी छोटी होती है। ये लीजिए, फिम्ब्री या फिर पिलाई की साइज क्या होती है, काफी छोटी होती है, और ये किसी बैक्टीरिया को किसी होस्ट सरफेस से, जैसे पैरासिटिक बैक्टीरिया है उसको किसी होस्ट की सेल से चिपकना है, तो उस चिपकाने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होती है, पिलाई एंड फिम्ब्री। मूवमेंट में इनका कोई रोल नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। मूवमेंट में केवल और केवल किसका रोल होगा, फ्लेजिला का रोल होगा। फिम्ब्री और रोम या फिर पिलाई का मूवमेंट के अंदर कोई भी रोल नहीं होता है। आई बात समझ में, तो फिम्ब्री के बारे में क्या बता सकते हैं, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है जो मूवमेंट में सहायक नहीं होती है, लेकिन ये किसी होस्ट सेल से बैक्टीरिया को चिपकाने में सहायक होती है।
ठीक है। इसका निर्माण जो है वो पाइलिन प्रोटीन से होगा। प्रोटीन का नाम ध्यान रखना, पाइलिन प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का नाम क्या है? पाइलिन प्रोटीन। जैसे फ्लेजिला का निर्माण फ्लेजिलिन प्रोटीन से हुआ था, फ्लेजिला का निर्माण किससे हुआ था? फ्लेजिलिन प्रोटीन से। वैसे ही इस पिलाई या फिमरी का निर्माण जो वो कौन से प्रोटीन से होता है? पाइलिन प्रोटीन से होता है। याद रखना, पिलाई से पाइलिन, ठीक है, फ्लेजिला से फ्लेजिलिन। तो इस पिलाई का निर्माण कौन से प्रोटीन से होगा? पाइलिन प्रोटीन से होगा, जो बैक्टीरियल सेल को किसी भी होस्ट सेल से चिपकाने में सहायक होता है, ठीक है। जैसे बैक्टीरियोफेज है, वायरस है, ये मान लीजिए कोई बैक्टीरियल सेल है, ये कोई वायरस है, और वायरस भी कौन सा है? बैक्टीरियोफेज वायरस है, जीवाणु भोजी है। अब ये बैक्टीरियोफेज वायरस इस बैक्टीरियल सेल से जब आकर के चिपकेगा, तो इस बैक्टीरियोफेज वायरस के इस बैक्टीरियल सेल से चिपकने में भी इस पिलाई स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस पिलाई की सहायता से ही ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरियल सेल से आसानी से आकर चिपक जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट काम होता है किसका? पिलाई और फिमरी, ठीक है। तो ये है तीसरी स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के अंदर। सबसे पहले अपन ने बात करी स्लाइम लेयर या कैप्सूल की, फिर अपन ने बात करी फ्लेजिला की, नंबर तीन पर अपन ने बात किसकी की है? पिलाई या फिमरी की। लास्ट और फाइनल और जो इंपॉर्टेंट भी है उसका फंक्शन आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है मीजोसोम। मीजोसोम के बारे में अपन पढ़ते हैं कि मीजोसोम क्या होते हैं, मीजोसोम का बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के अंदर क्या फंक्शन है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। मिजोसोम क्या होते हैं? मिजोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से बनी एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन या फिर एक्सक्रीशन से रिलेटेड होती है, जो सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी सहायक होती है, और जो किसी डॉटर सेल में डीएनए के डिस्ट्रीब्यूशन में भी सहायक होती है। पहले तो मीजोसोम अपन ने बैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर बनाया था। जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में ये बाहर की तरफ आपने सेल वॉल बनाई है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कई बार अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स बना लेती है, और इन स्ट्रक्चर्स को आप मीजोसोम बोलते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर अपन ने बताया था बैक्टीरिया के लिए रेस्पिरेशन के जितने भी एंजाइम्स हैं, वो रेस्पिरेशन के एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर ही पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर ही वो एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए मीजोसोम का एक मेन फंक्शन तो क्या हो गया? रेस्पिरेशन। एक फंक्शन तो क्या हो गया मीजोसोम का? रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर एक्सक्रीशन का जो काम है, उत्सर्जन का जो काम है, वो भी किसके द्वारा होता है? मीजोसोम के द्वारा होता है। इसके अलावा जब बैक्टीरिया डिवाइड होता है तो डिवाइडिंग बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है, सेल वॉल का जो सिंथेसिस है, कोशिका भित्ति का जो निर्माण है, वो भी इस मीजोसोम स्ट्रक्चर के द्वारा ही होता है, ठीक है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इक्वल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल्स, ठीक है। डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाओं के अंदर एक बैक्टीरियल सेल जब डिवाइड होकर दो बैक्टीरियल सेल बनाएगी, तो उनके अंदर डीएनए का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डीएनए कितने अमाउंट में जाएगा, कैसे जाएगा, कितना डीएनए कौन सी सेल के अंदर जाएगा, ये सब भी इस मीजोसोम के द्वारा ही कंट्रोल होता है।
तो ओवरऑल मिजोसोम के चार फंक्शन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेल वॉल सिंथेसिस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल। पुत्री कोशिकाओं में डीएनए के वितरण का काम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है, वो भी मिजोसोम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सा मिजोसोम का कार्य बैक्टीरिया के अंदर नहीं है। उसमें ये तीन फंक्शन, इनमें से कोई भी तीन लिखे हुए होते हैं और एक कोई चौथा फंक्शन होता है। तो ये ध्यान रखना, ये चार फंक्शन तो है मिजोसोम के, इसके अलावा कोई फंक्शन है तो वो मिजोसोम का नहीं है। मिजोसोम के केवल चार ही फंक्शन हैं और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, रेस्पिरेशन। यदि क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा मिजोसोम का फंक्शन है और उसमें एक ऑप्शन है रेस्पिरेशन, एक ऑप्शन है एक्सक्रीशन, एक ऑप्शन है सेल वॉल सिंथेसिस और एक ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल्स, यदि चारों में से आपको कोई सेलेक्ट करना है तब आपको सेलेक्ट करना होगा रेस्पिरेशन। और ये लिख रखा है कि ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, तो फिर वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मिजोसोम के बारे में ध्यान रखना है। मिजोसोम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से बनी स्ट्रक्चर है जिनके ये चार मुख्य फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये है बैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। बैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पहले अपने डायग्रामेटिक व्यू देखा, फिर उसकी चार जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, चाहे वो स्लाइम लेयर की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए फ्लेजिला की, चाहे आप रोम और झालर यानी कि पिलाई और फिम्बरी की बात कर लीजिए, या फिर मिजोसोम की बात कर लीजिए, इन सब के बारे में अपने डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन की बात करेंगे, बैक्टीरिया जो है वो कैसे न्यूट्रिशन लेता है, कैसे बैक्टीरिया के अंदर पोषण होता है, ऑटोट्रॉफिक है तो कैसे वो अपना फूड बनाएगा, यदि वो हेटरोट्रॉफिक है तो कौन से जीवों से अपना पोषण प्राप्त करेगा, ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।